बेबी रिपोर्ट्स आ गए हैं क्या? अक्की क्या हुआ, इतना स्ट्रेस क्यों लग रहा है? दीदी क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? ये नहीं तो कोई और मूवी मिल जाती ना यार। देखो आप प्लीज इनसे लड़ाई मत करना दीदी, प्लीज दीदी। मैं लड़ती हूँ क्या लोगों से? मैं बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने किया है वो गलत है, दैट्स इट। और मैं बिल्कुल काम हूँ, आई एम फाइन। तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है? दीदी प्लीज थोड़ा आराम से। हाँ ठीक है। दीदी प्रोड्यूसर। हाँ तो ठीक है ना, मैं बात करती हूँ ना। थोड़ा आराम से। एक कॉल में आपने मेरा काम कर दिया, गुड गुड मैन। माय प्लेजर। ओ तो इसका मतलब मिस्टर राम कपूर ने मेरे भाई को फिल्म से निकलवाया है। आप यहाँ क्यों आए? मेरे भाई की फिल्म कैंसिल करवाने? Excuse me? कैपिटलिस्ट। What? आपको क्या लगता है अपने पैसे दिखाकर आप कुछ भी कर सकते हैं? ये फिल्म आपके कहने पे चलेगी? नहीं मैं इस फिल्म के लिए एक सेकंड पकड़िए ना। मैं क्यों पकड़ूं? नहीं एंटी कोल्ड फिल्म, थैंक यू। नहीं नहीं मेरी फेवरेट फिल्म है इसलिए मैं। फेवरेट फिल्म मेरे भाई की भी है, कितना एक्साइटेड था वो इसके लिए। एक्साइटेड तो अच्छी बात है ना ये तो। कैसे आपने तो निकलवा दिया ना एक फोन करके। एक सेकंड कहाँ से निकलवा दी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिल्म से, क्योंकि उसने आपकी बहन से शादी नहीं की। मिस्टर कपूर आई होप कि आपको हमारा स्क्रीनिंग थिएटर अच्छा लगा। बहुत अच्छा था, इट वाज रियली गुड। बट स्क्रीनिंग? हाँ मोहब्बत की स्क्रीनिंग ना, मैं देखने आया था। मुझे बच्चन साहब बहुत पसंद है। आई लव फिल्म्स। आई हेट फिल्म्स। आई लव फिल्म्स टू। एक सेकंड, आप प्लीज चुप रहिए। आपको किसने निकाला, मतलब कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं हम, कहाँ से किसने निकाला? एक्चुअली क्या हुआ सर कि मुझे ऑडिशन के लिए, फाइनल लुक टेस्ट के लिए फोन आ गया था। मैंने ऑडिशन दिया था और एक दिन पहले मुझे प्रोडक्शन हाउस से फोन आया और बोला कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और प्रिया दीदी को ये लगा कि ये शिविना से शादी नहीं करी है इसलिए ये सब आपने किया है। मुझे नहीं पता ये कॉल किसने किया, लेकिन मिस्टर सिंह ये जो हुआ है वो सही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो यू मस्ट रेक्टिफाई दिस। यस मिस्टर कपूर। क्योंकि किसी को भी काम मेरिट पे मिलना चाहिए और ये लड़का इसकी काबिलियत की वजह से ये फाइनल राउंड तक पहुंचा है। इसका ऑडिशन कैंसिल करना है रॉन्ग, चाहे किसी का भी कॉल है। और हो सकता है कि आगे चल के मोहब्बतें में ये वायलिन बजाए। सुनो जी, कल ऑडिशन के लिए आ जाना। ये तो नहीं बता सकता कि किसका कॉल आया था, पर हाँ मिस्टर कपूर का कॉल नहीं था। जी सर। यू प्लीज कंटिन्यू। वेलकम। थैंक यू। आधी पिघल गई। आइसक्रीम मिलता हूँ अक्षय। आपको नहीं लगता आपने थोड़ा ज्यादा रूडली बात कर ली? सॉरी बोल देना चाहिए ना। देखो ना हेल्प करके चले गए। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, बारिश होने वाली है। और सर मतलब और है गाड़ी में है ना सर? हाँ गुड। मिस्टर कपूर रुकिए, मिस्टर कपूर। ओह गॉड ये तो चले गए। मैं तो सॉरी बोलने आई थी पर इन्होंने ही मौका नहीं दिया। नॉट माय फॉल्ट। शुभू प्लीज क्लिनिक में फोन करके पता लगाना कि और कितनी देर लगेगी। कल रात तक रिपोर्ट्स को आ जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्यों इतना वक्त लग रहा है। प्लीज फोन करना प्लीज। मॉम 5 मिनट पहले तो फोन किया था आपके सामने, कितनी बार एक ही चीज के लिए फोन करता रहा। फिर से कर लेना मेरे लिए प्लीज। मॉम प्लीज। शुभू यार मुझे तो लगता है रिपोर्ट जरूर पॉजिटिव ही होगी, इसलिए तो इतना वक्त लग रहा है रिपोर्ट को आने में। शिवी बेटा ये ले पीले। यू ये बच्चे की स्किन के लिए अच्छा है। मामा ये सब क्या है, प्लीज मामी ये सब दूर रखो मुझसे। प्लीज शिवी ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती तुमसे हुई है सो डील विथ इट। प्लीज रिलैक्स, अक्की है ना वो मेरा ख्याल रखेगा। रिलैक्स? और वैसे भी वो हर एक घंटे में अपडेट ले रहा है ना क्लिनिक से, तो
रिपोर्ट आ जाएगी। शिवी रिलैक्स तो हो नहीं सकती। सेकेंडली अगर इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है ना तो एक ही रास्ता है कि राम प्रिया से शादी कर ले बस। तो उन्हें शिवी की प्रेगनेंसी की बात बता दो मॉम। वैसे भी भाई हमारी किसी बात को मना करते नहीं और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। सो गो फॉर इट। हाँ मैं मानती हूँ कि वो मेरी कोई बात नहीं टालता क्योंकि और उसका कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हम ही तो है ना उसकी फैमिली और कौन है। बट यू नो व्हाट शिवीना, तुम बहुत लकी हो कि राम तुम्हारा भाई है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वरना नमस्ते नंदिनी जी। मीरा जी नमस्ते। सुन ये तेरी सास है क्या? अरे संभल के बेटा संभल के। सॉरी इट्स ओके कम आइए ना बैठिए। जी जी नहीं शुक्रिया मैं सीधे अपनी बात पर ही आती हूँ। आपने जो मुझे कहा था उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि मुझे राम और प्रिया का रिश्ता मंजूर है। ग्रेट। आप प्रिया से तो एक बार पूछ लेते। इसमें प्रिया की भी हाँ समझिएगा। That's lovely. शिवीना बिटिया के साथ और ना इंसाफी नहीं होगी। इसने प्यार के लिए अपनी शादी सगाई तोड़ी। जो भी उसका है उसे मिलेगा। सो स्वीट थैंक यू। मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे घर पर आकर आपने तो मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। अब वो राम क्या आप उसकी फिक्र मत कीजिए। समझिए कि राम की भी इस शादी के लिए हाँ है। कंग्रेचुलेशन। लेकिन मम्मा इस बात के लिए हम प्रिया की तरफ से कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये बैलेंस शीट दिखाने से कंपनी के लॉसेस कम हो जाएंगे क्या? इसलिए मैं चाहता था कि राम की बहन से मेरे भाई की शादी हो जाए। अगर एक बार ये शादी हो जाती तो इस टाइम में वहां बारात में नाच रहा होता ना कि बैठकर कंपनी के लॉसेस कम कर रहा होता मैं। शशि प्लीज रिलैक्स। व्हाट? एक छोटा सा काम तो तुमसे हुआ नहीं। तुमसे कहा था कि राम को जाकर बताओ तुमने उसकी बहन को मैटरनिटी क्लिनिक के बाहर देखा है लेकिन बताया तुमने? मैं नहीं बता पाई। पूछ सकता हूँ माई लव के ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई? मिस्टर मुंजाल मैं आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स चेक करके ये ऑफर दे रहा हूँ और वैसे आपके पास बगर खत्म करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट। आपके पास पूरे 7 मिनट है। ओके टेक योर टाइम डिसाइड कर लीजिए। और हाँ हमारे पास काफी और विंडोज भी है। यू नो हैव अ गुड डे सर। अरे अक्षय थैंक यू। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। मैं तो गुलाब बर्गर। नहीं नहीं थैंक यू। आप प्लीज खाइए ना। मैं तो बस आपको थैंक यू बोलने के लिए आया था वो ऑडिशन के लिए। मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। तुम में काबिलियत है इसलिए तुम फाइनल राउंड में गए। वैसे भी व्हाट्स राइट शुड गेट अ फेयर प्लेस। और इस काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। आई एम श्योर तुम्हारी बहन को ऐसा नहीं लगता पर नहीं एक्चुअली प्रिया दीदी मेरी बहुत फिक्र करती हैं पर थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की है ना वो। बड़ी बहन है ना। मैं भी भाई हूँ समझ सकता हूँ। वैसे मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कितनी फिक्र कर रहे हो कितनी चिंता है इसलिए इतने पेशेंटली वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। दैट दिस रियली मींस अ लॉट थैंक यू। हैव अ गुड डे। वैसे आपकी और प्रिया दीदी की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है अक्षय। तेरी बहन ने सुन लिया ना मर्डर कर देगी।
I'll see. Good day. सर आपके मॉम का कॉल है. Oh, okay. Hi mom. रामू प्रिया की माँ आई थी और उन्होंने कहा कि प्रिया तुमसे शादी करने के लिए तैयार है. क्या? Yes. नहीं जरूर कोई कंफ्यूजन होगा, उसे मुझसे शादी नहीं करनी है. कंफ्यूजन? नहीं राम कोई कंफ्यूजन. तुम मुझे एक बात बताओ, अगर प्रिया तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो अपनी बहन के लिए तुम उससे शादी करोगे ना? मॉम हम ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसका भाई अक्षय उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा हमें. और सुनिए ना प्लीज, आप प्लीज शिवी की टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना. टाइम ही नहीं है ना हमारे पास. राम तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरी बात ध्यान से सुनो राम, शिवीना और अक्षय की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. राम तुम मेरी बात का जवाब दो अब, ओके? तुम ये बताओ कि अगर प्रिया तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो अपनी बहन के लिए तुम भी उससे शादी करोगे ना? मॉम मैं शिवीना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. हाँ शादी भी. मैं आपको फोन करता हूँ. ग्रेट थैंक यू. हाय भीम. हाय राम. मैं शादी नहीं कर रहा हूँ. प्लीज राम इट्स फाइन. आओ ना बैठो. इनफैक्ट कल रात भी तुम्हें कुछ बात कहनी थी, हम बात हो नहीं पाई. प्लीज राम बात थोड़ी सेंसिटिव है. बोलो वेदो. कल शिवीना को मैंने मैटरनिटी क्लिनिक पर देखा. कहाँ? नंदिनी आंटी और मैं कल अपने क्लिनिक के इनॉग्रेशन के लिए गए थे. हाँ? मैंने शिवीना को वहाँ देखा. शिवीना? नंदिनी आंटी बहुत स्ट्रेस में लग रही थी और मैंने उनसे जब पूछा कुछ तो बताया नहीं उन्होंने मुझे. नहीं राम हो सकता है वो रूटीन चेकअप के लिए गई हो, बस मुझे थोड़ी फिक्र हुई तो आई थॉट मुझे तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हो. सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आपकी माँ ने आपको नहीं बताया कि वो आपका रिश्ता लेके मेरे घर आ रही है? हम टाइम ही नहीं है हमारे पास. कि अगर प्रिया तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो अपनी बहन के लिए तुम भी उससे शादी करोगे ना? मुझे प्रिया सूद से मिलना है अभी. जी सर. आइए सर आइए. ओ मैन हेटर गॉट अ विजिटर. प्रिया चलना कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लग रही है. नहीं यार मुझे बेकरी जाना है एक्स्ट्रा क्लास के लिए. प्रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. व्हाट? यस आई डू. क्या देख रहे हैं आप लोग, क्लास में जाइए अपनी. मेरी बात सुनो. एक सेकंड मेरी बात. ओके. पी क्या है आप, मेरे पीछे मत आइए. ओके एक सेकंड. जो तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया वो, शी इज प्रेग्नेंट. क्या? एक सेकंड. इसीलिए तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कहा राइट? किसकी शादी, किसने हाँ कहा? एक एक मिनट, जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ ना मैं भूल जाता हूँ हमारी तुम्हारी और मेरी शादी. रबिश. हाँ कहा? कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मैं अक्की से जाके बात करती हूँ. एक सेकंड. तुमने हाँ नहीं कहा लेकिन तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को कहा और मेरी मॉम ने कहा क्योंकि वो चाहती है कि. मिस्टर कपूर घर जाइए, एक डायरी लीजिए और अपने सारे थॉट्स उस पर लिखिए, शायद कुछ सेंस बनेगी. मैं घर जाके ये सॉर्ट करती हूँ. मैडम मेरी बात समझिए आप. क्या समझू मैं? आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ क्योंकि आपकी बहन प्रेग्नेंट है. मैं भाई हूँ, मैं क्या करूँ, मैं गोद भराई की तैयारी करूँ क्या? नहीं उस लड़के से जाके बात कीजिए, उस लड़के की बहन को प्रपोज मत कीजिए. एक मिनट, आप एक ना एक दिन तो शादी करेंगे ना किसी से? और जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें शादी को लेकर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है राइट? तो ठीक है ना मुझसे कर लीजिए, एटलीस्ट बक्से और मेरी बहन शिवी की शादी हो जाए. सुपरमार्केट नहीं, एक पैक फ्री चल रहा. ऑफ कोर्स नॉट. अरे मैडम मैडम प्लीज आप सांस लीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए. मेरी बहन प्रेग्नेंट है क्योंकि वो आपके भाई से प्यार करती है और उन दोनों ने. आपको कैसे पता वो प्रेग्नेंट है? मुझे इतनी डिटेल्स ना भाई बहन की ऐसी बातें नहीं होती. आप रियली लेकिन किसी और की बहन को प्रपोज कर सकते हैं? एक सेकंड,
मुझे शादी नहीं करनी है, ओके? मुझे भी नहीं करनी है आपसे शादी, तो आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाती हूँ, एंड पीछे मत आना। एक सेकंड, ये क्या पीछे मत आइएगा? क्या मतलब आपका, आपके कहने का मतलब क्या है? आपको लगता है कि मैंने आपको प्रपोज किया कि क्योंकि मुझे आपसे शादी करनी है, तो आप इनको दोस्त है ना इनकी, ट्विंकल बताइए आप घर जाइए प्लीज। आई नो आप अपनी बहन को लेके वरिड है, मैं भी हूँ, मैं घर जाके अकी से बात करती हूँ, ओके? इसके लिए आपको और मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही है? ओहा चल। आप बाय। मम्मा? हाँ ट्विंकल जल्दी बोल, कितना सस्पेंस क्रिएट करेगी। What? माँ, प्रिया को सब पता चल गया। मिस्टर राम कपूर उसके इंस्टीट्यूट गए थे। ये शर्मा जी के लॉलीपॉप है ना? लॉलीपॉप देना, पनीर खिला रहा मेरे को। राम ने हाँ कर दी है। अरे वो राम है, खाने के लिए हाँ ही करता है। वैसे टेंशन मत ले, और रखा है उसके लिए। अबे उसने प्रिया से शादी के लिए हाँ कर दी कमबख्तो। What? Wait. राम ने किससे शादी करने के लिए हाँ कर दी? Yeah, great, thanks. अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी ना। मॉम नया क्लिनिक है तो सिस्टम में ग्लिचेस आ रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है रिपोर्ट्स आने में। You know what? बंद करवा दो वो क्लिनिक, बंद करवा दो। शिवीना है वहां पर आज। मॉम मैंने प्रिया से बोल दिया मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट नो वो मुझसे शादी करेगी या नहीं, लेकिन उसने कहा है वो अक्षय से जाके बात करेगी। डोंट नो मतलब उसने ठीक से हाँ नहीं बोला? मॉम इट्स ओनली फेयर कि उसे सोचने का थोड़ा वक्त मिले। नहीं राम, वक्त नहीं है हमारे पास। You know what? मैं काम करती हूँ, अगर प्रिया तुमसे शादी नहीं करना चाहती ना, तो मैं काम करती हूँ शुभम, मैं तेरा रिश्ता लेकर जाती हूँ, तू कर ले उससे शादी। हाँ what? Best. हाँ वो कितनी बड़ी है मुझसे, और ऐसी टैकी आंटी से मैं शादी करूँगा? मैं Mom, have you lost your mind? Situation को समझो वो। नंदू तू मेरी बहन है, इसके लिए मैं बोलता हूँ। अरे किसी ना किसी को तो इसे समझाना पड़ेगा ना। देख पुत्र जी, राम सौतेला भाई है, फिर भी शिवी के लिए शादी करने को रेडी हो गया ना। और तू सगा भाई हो के इतना नहीं कर सकता? मामा जी मैंने कभी शिवी को सौतेला नहीं समझा, मेरे लिए यही मेरी फैमिली है, यही मेरा परिवार है, मेरी मॉम है, शुभ और शिवी मेरे छोटे भाई बहन है, और जब डैड चले गए थे तो यही छोड़कर गए थे, यही मेरी पूंजी। मैंने सिर्फ जिंदगी में रिश्तों को समझा हूं, और रिश्तों में सगा सौतेला ये मुझे कभी समझ नहीं आया। मॉम आप तो जानती है ना, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार किया है, और उसके बाद मुझसे नहीं होगा, पर परिवार मेरे लिए हमेशा आगे रहा है, उसके लिए हर जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं शादी भी कर लूंगा अगर अगर प्रिया तैयार हो जाए, लेकिन उससे भी कह दूंगा मैं कि प्यार नहीं होगा, शादी होगी, कमिटमेंट होगा, रिश्ता होगा, और उसे मैं निभाऊंगा। मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तुम जैसा बेटा दे गए राम, और मेरे लिए आप लोगों को छोड़ गए जिन्हें मैं अपना कह सकूं। थैंक यू। मैं काम करती हूँ, मैं मीरा जी को फोन लगाती हूँ, क्योंकि ये शादी दोनों फैमिलीज के लिए सही रहेंगी। आया दीदी, आप राम से मिली क्या? क्या बुलाओ? इस वक्त तुझे मुझसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है, समझा? मतलब आपको राम ने बता दिया? कहा ना तुझसे बाद में बात करूंगी, पहले एक बार माँ से बात कर लूँ। हाँ जी नंदिनी जी, अब आवाज आ रही है। नंदिनी जी, मीरा जी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा बेटा आपकी बेटी के लिए परफेक्ट मैच नहीं होता तो मैं बार बार जोर नहीं देती। माँ रुको, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। जी सबसे बेस्ट है वो। एक और बात, राम ने शादी के लिए हाँ कर दी है। थैंक यू जी, थैंक यू। व्हाट थैंक यू? माँ रुको, हटो यार, माँ क्या कर रहे हो? हेलो माँ, क्या जरूरत है आपको वहां जाके कहने के लिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ? दीदी चुप। आनी माँ यार, आनी नो, उस लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ कर दी? राम ने शादी के लिए हाँ कर दी, फाइनली अब इस घर में शादी होगी। मैं क्या कह मामा 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 मामा
I'm not pregnant. Shivi, kya? I'm not pregnant. No pregnancy, no bachcha, no whatever. Shukar hai. Wow, thanks. Oh, thank God. Are you sure? Haan, didi, I'm 100% sure. Ye dekhi. Okay, chalo. Mama, ye dono saaf karna hai. Mobile pe lage rehte. Shivina pregnant nahi hai. Kya hua? Ma? Kya ho gaya is ghar mein sabko? Ab ye Mr. Ram Kapoor se shaadi nahi karegi. Oh, to aapko is baat ka gham hai. Is baat ki khushi nahi hai ki Shivina pregnant nahi hai. ये ऐसा नहीं है, मैं शिवीना को कभी नहीं छोड़ूंगा और ये बात तो शिवीना भी जानती है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रिपोर्ट आने में इतना वक्त क्यों लगा? मॉम, क्योंकि मेरे सिम्पटम्स ही कुछ ऐसे थे, सो दे जस्ट वांटेड टू बी श्योर। बट एक्चुअली मुझे तो सिर्फ एसिडिटी हुई थी, मैंने इतनी चिप्स खा ली, इतनी कॉफी पी ली, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस शुभम। हे, यू कांट बी सीरियस यार, मैंने क्या किया? बट मैंने फोर्स फीड किया तुझे। तूने नहीं बोला था भाई को कि अकी इज अ गोल्ड डिगर? यस। मुझे स्ट्रेस हो गया। आई स्ट्रेस इट। स्ट्रेस? तेरे स्ट्रेस की वजह से हमें अपना भाई देना पड़ रहा था। मॉम तो मुझे भी सैक्रिफाइस करने वाली थी। वाह, उनकी तो लॉटरी लगने वाली थी। हैव यू सीन हर? मतलब शी इज सो वियर्ड। शुभु, तो इस बात का अफसोस मनाया जा रहा है कि एक मौका मिला था प्रिया को घर से भगाने का और वो भी हाथ से चला गया। ओ, मामा को तेरी फिक्र है प्रिया। तू अकेली रह जाएगी प्रिया, तू बस ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। ये आपके शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं, महेंद्र सूद के। कौन है वो हमारे? क्यों आप उनकी बात के बारे में इतना सोच रही हैं? आज तक एक पैसा भी दिया है उन्होंने? चलिए पैसे छोड़िए, उस दिन इतनी गालियां सुनाकर गए हैं, आप उनको दिखाने के लिए मेरी शादी करवा दोगी? उन्होंने तुझे नहीं, मुझे गाली दी, क्योंकि तू मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है। माँ, मैं रात रात भर सो नहीं पाती, नींद ही नहीं आती, रोती रहती हूँ, अक्की को सब पता है, इसीलिए उसने ये शर्त रखी और वो कोशिश कर रहा है तेरी शादी की मेरे लिए। प्रिया भाई, अब आपको जबरदस्ती शादी करने की जरूरत नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवी प्रेग्नेंट है या नहीं, उसकी अक्षय से ही शादी होगी। माँ, कि आप लोग समझते क्यों नहीं हो कि मैं खुश हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे प्रिया को शादी के लिए मनाना होगा, अगर मेरी शादी से शिवी की शादी की बात पड़ती है तो यही सही। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.